नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है। बीजेपी जो है पीछे चल रही थी, अब काफी आगे हो गई है। 20 राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है और जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी ने यहां पर जदयू को काफी पीछे ढकेल दिया है। जदयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जो लगातार आगे चल रहे थे, कांटे की टक्कर बनी हुई थी, लेकिन अंतिम समय तक आते आते बीजेपी के केदार गुप्ता ने मनोज कुशवाहा को पछाड़ दिया है। 19वें राउंड में 56 मतों से आगे चल रहे थे, लेकिन अब 20वें राउंड में ये जो फासला है वो बढ़ गया है। मनोज कुशवाहा से काफ़ी आगे केदार गुप्ता निकल गए हैं। तो 20 राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद किसे कितना मत मिला हुआ है हम आपको बताते हैं। तो केदार गुप्ता जो आगे चल रहे हैं, इन्हें 66,772 मत मिला हुआ है। वहीं मनोज कुमार सिंह यानी कि मनोज कुशवाहा को 65,621 मत मिला हुआ है। 1100 से अधिक मतों से बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर आगे हो गए हैं। नीलाभ कुमार जो कि वीआईपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी 9,000 से अधिक मत जो है अपने खाते में किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब बीजेपी ने कमबैक करते हुए यहां पर मनोज कुशवाहा को पीछे धकेल दिया है। अब देखना होगा कि 21, 22, 23 ये 3 राउंड की गिनती समाप्त है, होनी बाकी है। तो 3 राउंड में क्या होता है, क्या मनोज कुशवाहा जो हैं वो बीजेपी को पीछे कर पाते हैं, क्या बीजेपी ने जो बढ़त हासिल किया है उस बढ़त को बरकरार रख पाती है, ये देखने वाली बात होगी कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में कौन बाजी मारता है। और इस चुनाव परिणाम का काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन बनने के बाद जो है अभी तक 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, जहां पर एक सीट महागठबंधन के खाते में गई थी, एक सीट एनडीए के खाते में गई थी, यूं कहे तो टाई था। लेकिन कुढ़नी में क्या होने वाला है, कुढ़नी जो जीतेगा वो कहीं ना कहीं 2024 में एक मजबूत इरादे से चुनाव लड़ेगा, तो इसलिए कुढ़नी पर नज़र बना के रखना होगा। कुढ़नी में अभी बीजेपी के उम्मीदवार जो केदार गुप्ता हैं 1100 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव का हर अपडेट बिहार इन शॉर्ट्स सबसे पहले आपको बता रहा है, तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।